तो गाइज़ ये मैंने पार्सल मंगवाया था आइडियाज़ से, शॉपिंग की थी, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था। सो मम्मा को कहती हूँ कि इसको अनबॉक्स करें, फिर दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। मम्मा आ जाएं, ये मेरा पार्सल अनबॉक्स करें। आ गया पार्सल? जी मम्मा आ गया। ओके ये देखिए, मेरी एना भी आ गई है साथ में। एना हेलो, हाँ ये भी खुलवाएंगे साथ में। एना को तो ना पहले आ जाती है वो देखने के लिए ना, उसको मौका चाहिए, कोई कुछ कर रहा हो एक्साइटमेंट होती है हर चीज़ की। जी मम्मा कैसा लगा? तो गाइस जा रही हूँ मैं ट्रिप पे, तो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ स्वेटर्स वगैरह मंगवाई हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी। तो मम्मा दूसरा दिखाएं। कितने मंगवाएं? बस जितने भी हैं मम्मा देखें और दिखाएं। मुझे खुद भी याद नहीं है मैं क्या क्या ऑर्डर करती रहती हूँ। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। स्टफ कैसा है मम्मा, गर्म है? बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट है ना, अच्छा है ना। आप तुझे तो यही चाहिए था ना? जी बिल्कुल। एना पसंद आई? हेलो एना। हेलो एना, डब्बा छोड़ ना, ये देख आपकी स्वेटर कितनी प्यारी है। तो एना एना तू हट ना बेटा, ये प्यारी है ना। हाँ मम्मा जबरदस्त है। कौन सी ब्रांड की है? गुल अहमद, और मुझे गुल अहमद ही ज़्यादा पसंद है, उसके बाद जेड और जी। ये क्या है? ये मैंने शूज़ ऑर्डर किए हैं, ये वो है। कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त, अच्छी ब्रांड, फिर ज़्यादा अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मम्मा, आमीन आमीन, लेकर जाए आपको फिर से लेकर आए। ये देखो मेरी एना मेरे डब्बे में घुस गई है। हेलो एना, हेलो ऊपर देख, हेलो। बंद कर दूँ इसको? ऐसे बॉक्सेस में घुसना बहुत पसंद है, या किसी दराज में घुसना इसको बहुत पसंद है। इसको बंद कर देते हैं, पार्सल पैक कर दें इसका। चलो हम कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए ये पार्सल, ले जाओ अपना। ठीक है ना, मैं छुटके जाऊँ मेरा बेबी। ये लो मामा मेरा एक और पार्सल आया है, ये भी अनबॉक्स करें। हाँ गैस, इसके अंदर क्या होगा मामा? इसके अंदर शॉल होगी या स्वेटर होगी। वाह वाह, आपने तो बहुत अच्छा गैस कर लिया। शॉल है ना? शॉल है। वाह, तो ये खोल के बताएं शॉल कैसी है। आपकी मंगाई हुई चीज़ तो सभी अच्छी होती है। हाय थैंक यू मॉम, देखने से पहले ही मुझे पता है। प्यारी है हमेशा। बहुत अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है, सॉफ्ट भी है बहुत। हाँ वहाँ पे तो ये चीज़ें चलती है ना जी। चलो फिर से पैक कर देती हूँ। ठीक है, जब पहनूंगी तो फिर मैं आपको मम्मा दिखाऊंगी। चलो मम्मा अब सब अनबॉक्स तो कर दिया है, अब इसको पैक भी करूँ। शाबाश। पहले ये तो बता, ये आई कहाँ से और कितने की आई? मम्मा बताया था ये है गुल अहमद की, और इनकी प्राइस ये लिखी हुई है, इसकी प्राइस है
6090 रुपीज़, ठीक है, इस वाली की। और इस ब्लू की प्राइस है, इसी टैग के ऊपर लिखी होगी ना, ये भी गुल अहमद की है और ये है 2300 रुपीज़ की। और इसके ऊपर भी लिखी होगी, इसका टैग दिखाएं, इसकी प्राइस है 4390 रुपीज़। और ये जो शाल है, शॉल की प्राइस है 2790 रुपीज़। और जो शूज़ है, इसकी देखें टैग वगैरह है या इसमें देखें कोई टैग है, नहीं। और आई थिंक ये थे 5000 के और समथिंग इस तरह, इसकी प्राइस मुझे ठीक से याद नहीं है। सो ठीक है मॉम, अब इनको पैक कर दें अच्छे तरीके से। थैंक यू। हाँ, तो इसके साथ प्राइस टैग तो नहीं लगा हुआ था, लेकिन मैंने अभी देखा है कि इसके नीचे ये लिखा हुआ है इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी प्राइस है 5090 रुपीज़। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं और मज़ा आ गया इनको पहन के भी। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग और ये मेरी ऐना और लैला की मस्तियाँ। तो चले गाइस, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।